पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच हुण इस सैशन तो फीस दे विच वाधा कर दिता गया है, जिसका कि विद्यार्थियों दे विच भारी रोस पाया जा रहा है ते विद्यार्थी संगठन इकट्ठे होकर पंजाब यूनिवर्सिटी दे प्रशासन दे खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं ते वाइस चांसलर दफ्तर दे बाहर अज विद्यार्थी संगठनों वालों लड़ीवार भुख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी वालों इस बार सैल्फ फाइनैंस कोर्स दे विच फीस का वाधा किया गया है। इस नूं लैके विद्यार्थी पहला अपने पद्धर ते अपने अपने विभागां दे विच रोस मुजाहरे कर रहे सी अते इस नूं लैके हड़ताल भी कीती जा रही सी, लेकिन हुण उन्हां वल्लों इकट्ठे हो के वाइस चांसलर दफ्तर दे बाहर मोर्चा खोलिया गया। उन्हां दा कहना है कि फीस वाधे नाल विद्यार्थियों ते वाधू बोझ पाया जा रहा है अते लॉकडाउन तो बाद फीस वाधे विच लगातार 5-7% दा वाधा किया गया। बिल्कुल सही गल कही, किसी टाइम जिहड़ी पंजाबी यूनिवर्सिटी है ये पढ़ाई दे नाँ तो जानी जाती सी, इहदी मिसाल दित्ती जाती सी पूरे इंडिया दे विच वे जे कोई पढ़ाई का विद्या का ज्ञान कितने भंडार मिलता है तो पंजाबी यूनिवर्सिटी मिलता है। पर अजकल का जो समा आ गया सरकारां ते जिहड़ियां अजकल का प्रशासन है वह पढ़ाई जिदा कह दिए वे मूँह मोड़ चुक्या इस पर तरफों कोई भी जिहड़ा छोटे वर्ग के या थले वर्ग के लोग ने या बच्चे ने उन्होंने पढ़ाने तो किनारा कर चुकया आ। कोई भी सहूलत सरकार वालों दी नहीं जाती, सिर्फ ना तक सीमित रह गए ने। इस चक्कर दे विच अज साडी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इस ते जोरदार धरना देन जा रही है। देखो लॉकडाउन तो पहला तक जिहड़ी माहौल सी फीसिस दा कैप्टन एक रूल हुंदा है वे 5-4% तक वधांदी है नॉर्मली यूनिवर्सिटी, बट लॉकडाउन तो बाद इन्हां ने लुट जिहड़े डाके विद्यार्थियों की जेबां ते मारने शुरू कर दित्ते आ। हुण भी लॉ की गल करदे, फार्मेसी की गल करदे, न्यूकलीयर मैडिसन की गल कर लो, UIT की गल कर लो, सारे पासे यही हाल है। 15-15-20 हज़ार की इनक्रीज़ हुई है फीस, तो असीं उदों तक बैठांगे जद तक सानूं लिखत दे विच नहीं दे। ये जिहड़ा फीस हाइक का मुद्दा है इन्दे करके स्टूडेंट्स से तो इंपैक्ट पैंदा ही पैंदा है, इसका उन्होंने पेरेंट्स से भी पैंदा है, क्योंकि हर पेरेंट्स बहुत मेहनत करके अपने बच्चों इत्थे पढ़ा रहे हैं। कई बच्चे तो एजुकेशन लोन लैके भी इत्थे पढ़ रहे हैं। सो मैं अज इत्थे आपदी जथेबंदी नाल आया हाँ ते प्रोटेस्ट च असीं बैठे हाँ, तो जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता, कोई अथॉरिटी इसका हल नहीं करती, इत्थे ही बैठे रहांगे 24 घंटे साडी चेन हंगर स्ट्राइक चलेगी। तो मेरे नाल मेरे साथी भी बैठगे, तो होर भी मैं जथेबंदियां नूं अपील करदा हाँ कि वह जल्द तो जल्द साडा साथ देवे, जिवें इत्थे होर भी जथेबंदियां पहुंचियां ने ते जिहड़ियां रह गईयां ने वह भी छेती तो छेती पहुंचन ते साडा साथ देन। तो तुहानूं नहीं लगता कि पंजाब यूनिवर्सिटी कभी कहलाई जांदी सी कि गरीब तो गरीब बच्चा भी इत्थे पढ़ सकदा, लेकिन अज इहनूं प्राइवेटाइजेशन दी ओर ते कहलाया जा रहा? बिल्कुल जी, अज मैनू ए लगता भी यूनिवर्सिटी एक बिजनेस मॉडल बन गई है। केंद्र सरकार का हर वारी यही रहा वा कि जिहड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी आ चंडीगढ़ दे विच जिस थां आपां हुण खलोते हाँ इहनू असीं अपने कब्जे दे विच लै लईए, इहनू आपां कब्जे दे विच लै लईए, ये नहीं लै सकदे। स्टूडेंट सारियां जिन्नियां जथेबंदियां वा एकजुट हो के ये लड़ाई लड़दियां ने। अज का मुद्दा यह है कि जिहड़े हर डिपार्टमेंट की इन्होंने फीस वधाती है, 10-15% जिहड़ी फीस है वधा दित्ती गई है। पहला असी मेमोरेंडम दिता साड़ी SOE टीम सारी ने, कोई जवाब नहीं आया। वक् वक् पार्टियां ने मेमोरेंडम दिता, कोई जवाब नहीं आया। असी खुद 2-3 वारी जवाब लैन गए, ये जवाब नहीं देंदे, इन्होंने कान जिहड़े बोले हो गए, सौंदा नहीं इन्हों सुनावे। सारे पार्टियां कट्ठिया हुई, अज सुना कट्ठिया हुई वा, इतने बैठे हाँ। वेखो पिछले धरने की तैयारी चल रही है जी, तुम वेख सकते जी, इतने आप धरना लावे, खुला धरना लावे, 24 घंटे धरना लावे, लोड़ पई तो धरने के भुख हड़ताल से भी पवेंगे। विद्यार्थियों का यह भी कहना सी कि जे इस तरह फीस विच वाधा हुंदा रहा तां हौली हौली ये यूनिवर्सिटी एक निजी यूनिवर्सिटी बन के रह जाएगी ते आम विद्यार्थियों का इत्थे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जगबाणी TV लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह की रिपोर्ट।